सो हे गाइज, वेलकम बैक टू PKR ट्रेडिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होने वाली है। और दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम सिर्फ दो इंडिकेटर का यूज किए हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेट इंडिकेटर्स हैं। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% से भी ऊपर है। दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख जाते हैं तो आप बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर निफ्टी स्टॉक या फिर क्रिप्टो में। आप जहां भी ट्रेड करते हैं आप इस स्ट्रेटजी को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन इंडिकेटर्स का यूज हम इस स्ट्रेटजी में किए हैं, ये इंडिकेटर्स आपको ट्रेडिंग वेबसाइट पर बहुत ही इजीली और बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ये स्ट्रेटजी आपको बताएगी कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है और हमें कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। और दोस्तों, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम पर आप इसे बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। सो गाइज, मैं सबसे पहले सभी इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ। अब आपको इस इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ सर्च बार में टाइप करना है ADX। आपके सामने एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स नाम से ये इंडिकेटर शो होने लगेगा। आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है। अब आपके सामने ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा। अब आपको 25 ADX पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको दोबारा से इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है EMA। आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर को चार्ट पर दो बार अप्लाई कर लेना है, उसके बाद बैक आ जाना है। अब आपको पहले वाले EMA की सेटिंग में जाना है और उसके बाद इनपुट्स पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ लेंथ 9 दिख रहा होगा, इसको हटा के यहाँ पर 5 कर देना है। और अब स्टाइल वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जो EMA ब्लू कलर का दिख रहा है आपको कलर सेम रहने देना है और इसकी थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है और बैक आ जाना है। अब आपको दूसरे वाले EMA की सेटिंग में जाना है, आपको इनपुट्स पे क्लिक करना है और इसकी लेंथ को 9 की जगह पर 50 कर देना है। उसके बाद आपको स्टाइल वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको EMA ब्लू कलर का दिख रहा है, आपको इसको रेड कर देना है और इसकी थिकनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद ओके करके बैक आ जाना है। अब आपके सामने ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से शो होने लगेंगे। अब आइए इसे जानते हैं ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों, आपको देखना है जब रेड वाली लाइन ब्लू लाइन को डाउन साइड क्रॉस करे और ADX 25 के ऊपर हो तो मार्केट ऊपर जाएगी, और जब ये ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को डाउन साइड क्रॉस करे और ADX 25 के ऊपर हो तो वहाँ से डाउन ट्रेंड चलेगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ रेड लाइन ब्लू लाइन को डाउन साइड क्रॉस की है लेकिन यहाँ पर ADX 25 के नीचे है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ मार्केट साइडवेज है। आपको वेट करना है जब ADX 25 के ऊपर आ जाता है तो आपको वहाँ पर बाय करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ADX 25 के ऊपर आ गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है और कितना बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ADX 25 के नीचे है। उसके बाद देखिए, यहाँ कंटिन्यूअस मार्केट साइडवेज चल रही है। आपको तब कभी भी ट्रेड नहीं लेना है जब ADX 25 के नीचे हो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ब्लू लाइन रेड लाइन को डाउन साइड क्रॉस की है और ADX भी हमारा 25 के ऊपर है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है। अब आइए इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर भी ADX 25 के नीचे है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से लगातार साइडवेज चल रही है। आपको यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए गाइज, यहाँ ब्लू लाइन रेड लाइन को डाउन साइड क्रॉस की है और हमारा ADX भी 25 के ऊपर है, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया है। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ भी ब्लू लाइन रेड लाइन को डाउन साइड क्रॉस की है और हमारा ADX भी 25 के ऊपर है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया है और कितना बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ADX फिर से 25 के नीचे आ गया है और यहाँ पर मार्केट फिर से साइडवेज चलने लगी है। गाइज, आपको इसमें वेट करना है, जब तक सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, और सेटअप बनने के बाद आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी ही कमाल की वीडियोज आती रहती हैं। तो गाइज, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।